स्वेच्छासेवी अनुष्ठान हेल्पिंग हैंड पक्षरु क्रीड़ाबीत मानकु संबर्धित भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा परिचालित कटक जगतपुर स्थित साई जल क्रीड़ा केन्द्र 14 जन कानोइंग विजेता क्रीड़ाबीत मानकु संबर्धित करा जायछि। जातीय क्रीड़ा प्रतियोगिता रे 800 प्रतियोगी अंशग्रहण करथिबा बेले ओडिसा रु 27 जन भाग नेथिले। 3टी स्वर्ण 7टी रौप्य ओ 4टी ब्रोंज पदक जीणी 14टी पदक जितिबा स ओडिसा पई गौरव अर्जन करिसथि। हेल्पिंग हैंड पक्षरु साई हॉस्टल परिसर रे आयोजित संबर्धना उत्सव रे क्रीड़ा प्रशिक्षक लाइसराम जेनसन जनसन सिंह, लाइसराम विशेश्वरी देवी, पृथ्वीराज सिंधे ओ राजकुमार निषाद को संबर्धित करा जायथिला। हेल्पिंग हैंड रो सभापति समित सामल, संपादक प्रभात जेना, प्रदीप स्वाई, राकेश जेना ओ सूर्यकांत बेहरा प्रमुख कार्यक्रम को परिचालना करथिले। मेरा नाम लाइसराम जॉनसन सिंह कोच है और इस सेंटर का जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है जगतपुर का, इसमें मैं इंचार्ज का काम भी कर रहा हूँ। क्या बोलेंगे जो बच्चों का सफलता मिली है, अब किसको श्रेय देना चाहेंगे और कैसा था इस दौर? सबसे पहला तो इतना मीडिया वालों ने हमारा जो आज जो आके हमारे यहाँ पे आके हम लोग को रिसेप्शन दिया है, इसके लिए हम बहुत अच्छा लगता है। और हमारा जो अभी कंपटीशन हुआ था 31st कैनो स्प्रिंट नेशनल चैम्पियनशिप बिलासपुर में जो हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश में रहता है, और इसमें हमारा जो बच्चे हैं इसने 14 मेडल लिया है और 3 गोल हैं, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा अचीवमेंट है। लास्ट ईयर हम लोग 21 मेडल्स लिया था और इस बार थोड़ा सा कम हुआ, किस लिए कि हमारा जो बोच है, जो यहाँ जो बोच है हर जगह से लेकर आते हैं अपना अपना जो पर्सनल बोच जो है, बाकी स्टेट ने अपना जो इम्पोर्टेड बोच चलाया है वो अपना पर्सनल लेकर आया, पर हम लोग को जो प्रोवाइड किया है कॉम्पिटिशन स्पोर्ट में उसी में हम लोग ने लिया है, पर उसमें भी गोल हमारा बच्चे ने ठोक लिया है, तो ये एक गर्व का बात है। और हमारा पर्सनल बोच हो जाता तो और मतलब 30 के आसपास मेडल आ जाता। कितना टाइम बच्चे लोग स्पेंड करते हैं खेल पर और आप लोग कैसे कोचिंग देते हैं, थोड़ा बताइए? कोचिंग में हम लोग दिन में 6 घंटा ट्रेनिंग करता है, सुबह 3 आवर्स और शाम को 3 आवर्स, तो हम लोग मतलब जो 6 दिन का जो हमारा जो वर्कआउट है एक हफ्ते के अंदर में, इसमें सुबह शाम हम लोग 12 सेशन कर लेते हैं, 3-3 घंटे सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे। आपको कितना कॉन्फिडेंस था आप गोल्ड लाएंगे और ब्रॉन्ज लाएंगे, कितना कॉन्फिडेंस था? कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई है, हमारा प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा था, पर कोविड के वजह से हमारा जो हॉस्टल है ये लेट खुला है, तो सिर्फ हम लोग का सिर्फ 1.5 महीना का प्रिपरेशन था। अगर हमारे पास टाइम हो जाता 4-5 महीना और मिल जाता और हम लोग बहुत अच्छा कॉम्पिटिशन कर लेता, तो उसके बाद आगे हमारा भी आने वाला है जो सीनियर नेशनल फिर होगा जनवरी में, तो उसमें हम लोग पूरा अपना जान लगा देगा और स्टेट के लिए और देश के लिए और इस सेंटर के लिए हम नाम कमाएगा। मेरा नाम पृथ्वीराज सिंधे, मैं कायाकिंग कोलिंग का कोच हूँ। क्या बोलना चाहेंगे इस सफलता को लेकर, कितना आप खुश हैं? सफलता लेके बहुत खुश है, सभी बच्चे ने बहुत मेहनत किया है, हमारे सेंटर इंचार्ज जो सर है जॉनसन सर, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया, उनके गाइडेंस के वजह से इतना मेडल सब कुछ मिल पाया हमें, और कोशिश करेंगे कि आने वाला जो कंपटीशन है उसमें और हम लोग अच्छा सफलता प्राप्त करें। ये जो स्ट्रॉन्ग जोन था आपका, कितना कॉन्फिडेंस था इस मेडल हासिल करने में, कितना आप क्या क्या प्रिपरेशन किए थे? हमारा तो मेंटेलिटी स्ट्रांग था कि हम लोग कोशिश किया कि मैक्सिमम जितना मेडल मिल सके उतना, सभी ने जान लगाया, अपने बच्चों ने लगाया, कोच ने लगाया, हमारा जो था मेंटेलिटी हमारा स्ट्रांग था कि हम लोग मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि जितना मेडल मिल सके उतना हम लोग कोशिश किया है। आने वाले टाइम पे कितना प्रिपेयर करेंगे बच्चे लोग को, और क्या क्या कोचिंग में थोड़ा कमी खुदाई क्या रहती है और क्या ट्रेनिंग देना चाहिए थोड़ा? आने वाले टाइम में जो अभी जो नेशनल में इस वाले नेशनल में जो मिस्टेक हुआ है उसको हम सुधार के आने वाले जो चैंपियनशिप में उसमें हम लोग अच्छा तरह से परफॉर्म करें और मैक्सिमम गोल जीतने की कोशिश करेंगे, और जो कमियाँ हैं उसको कम करके हम सुधरने की कोशिश करेंगे। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, हर साल ये गेम काफ़ी मेडल देता है हर साल,
इसमें उड़ीसा में सबसे मैक्सिमम देने वाला ये गेम है, लेकिन इस गेम को सी कैटेगरी में रखा है। तो मेरे सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि उसको सी से ये करके उसको ए कैटेगरी में लाएं, क्योंकि ये बच्चे काफ़ी मेहनत करते हैं, तो उनका भी हक है कि उनको भी कुछ मिले। तो सरकार से यही दुआ है, रिक्वेस्ट है कि मेरा उस गेम, हमारे जो गेम है कायाकिंग रनिंग, को ए कैटेगरी में लाएं। जगतपुर सुकांत महापात्र का रिपोर्ट, निष्कर्ष मीडिया।